फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मैंने बताया था ना कल आपको कि उसका बर्थडे है, रिद्धम का नहीं, शौर्य का, सॉरी, मेरी सिस्टर है, बहाने वाला में रहती है, जो उसके बेटे का बर्थडे है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो घर से जल्दी जल्दी में निकले क्योंकि निराला जी ऑफिस से आए, तो मैंने वीडियो भी शूट नहीं कर पाई मैं, और बस एक तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, तो मैं अब अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो निराला जी थोड़ा मिठाई विठाई लेने के लिए गए हैं बच्चों के लिए, थोड़ा कुरकुरे वुरकुरे लेने गए हैं। तो बच्चे हैं तो बच्चे तो जिद करते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि बड़ी मम्मी आएगी, कुछ ना कुछ लेकर आएगी मेरे लिए, हमारे लिए। तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, तो इस समय तो होती ही है भीड़ क्योंकि ठंड का समय है, तो सब अपने फोर व्हीलर लेके ज़्यादा निकलना प्रेफर करते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, मैं दिखाती हूँ, पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या वहाँ पर किस तरह से वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहीं पे रुके हैं हम, भानिया वाला में रुके हैं थोड़ा सा मिठाई विठाई लेने के लिए। और हमने बताया क्या, कोई गिफ्ट भी नहीं लिया उसके लिए क्योंकि इतनी देर हो गई थी, निराला जी 7 बजे तो ऑफिस से आए, उसके बाद हम निकल गए वहाँ से, तो कोई बात नहीं, कुछ गिफ्ट नहीं लिया, पैसे ही देने पड़ेंगे उसको, एक उम्मीद रहती है। मैं सोचा था रास्ते से ले लेंगे लेकिन बहुत लेट हो गई तो नहीं ले पाए हम। तो बस अब चल रहे हैं, अब आप लोगों से शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो निराला जी भी आ गए हैं, क्या लेकर आए हैं पता क्या है? 300 रुपये का हो गया, 300 रुपये। मैं उसमें 2-4 चॉकलेट भी लेके आया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हमेशा यहीं बैठ रहता हूँ ड्राइवर वाली सीट पे। तो बस अब चलते हैं, चलते हैं, अब। और मैं व्यू आप लोगों के साथ मेरा यहाँ का रास्ते का शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, तो वहीं मिलते हैं उसके घर पे हम। सॉरी सॉरी, देखो हैप्पी बर्थडे बोलो, सॉरी हैप्पी बर्थडे बोलो, सॉरी। तो देखिए ये बर्थडे बॉय है शौर्य, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो कैप लगा रखी है इसने, शेर वाली कैप है ये, लॉयन वाली कैप। तो देखिए ये शौर्य का बर्थडे केक है, तो सेकंड बर्थडे है इसका आज। फर्स्ट बर्थडे में तो कोरोना काल ही था, तो उसमें तो ये बुला नहीं पाए थे किसी को भी, तो सेकंड बर्थडे में बुलाया है इन्होंने। तो ये केक देखिए, कैंडल्स लगा दी हैं, और ये इसके मामा लेकर आए हैं, बंटी लेकर आया है केक, उससे तो आप मेरे व्लॉग में पहले भी मिल चुके हैं वीडियो में, तो वही तो आज बर्थडे व्लॉग ही आने वाला है पूरा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर बैठ गए हैं बर्थडे बॉय, ये देख सकते हैं कितना शांत बैठा है, टोपी का भी वो तोड़ दिया इसने, साइड का बार बार लगा रहा है, बार बार तोड़ निकाल रहा है इसको। तो मुझे ओवरवॉइस करनी पड़ी क्योंकि यहाँ बहुत शोरगुल हल्ला हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो इसीलिए मैं मुझे ओवरवॉइस करनी पड़ी। तो बार बार कैप लगा रहे थे, बार बार गिर रही थी। अरे गल गई, अरे बैठ जाओ, बैठो राहुल, तुम भी बैठो, मौसी जी आप भी बैठो, बैठो राहुल, तुम भी बैठो, बैठो बैठो, चक्कू नहीं लाए, चक्कू नहीं लाए, चलो चलो, चलो फूक मारो, फूक मारो, फूक करो सारे, फूक करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. तो देखिए ये शौर्य की दादी हैं, और ये शौर्य के पापा हैं राहुल, इनको भी जानते ही होंगे आप,
ये मोहल्ले के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, तो और ये इसका बड़ा भाई है साथ में रिधम, इसको भी जानते होंगे आप। तो केक खाने के लिए इतना खुश हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा, और बार बार उसके मुंह पे केक लगा रहे हैं तो आप साफ बार बार साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बस इसी तरह से बच्चों की मस्ती चल रही थी, बच्चे भी वो सोच रहे थे इसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, तो वो देखिए केक की तरफ ही देख रहे हैं बार बार। तो ये उसकी मम्मी है, इसको तो जानती होंगे आप, श्वेता, ये मुझसे छोटी सिस्टर है मेरी। तो ये देखिए कितना खुश हो रखा है। तो देखिए रिदम की दादी है शौर्य की, और ये इनको तिलक कर रही हैं अब। तो ये देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप भी हमारे छोटे से नन्हे से शौर्य को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी दादी इसके टीका लगा रही है, तो ये देखिए कितना खुश हो रहा है, और अपनी दादी को कह रहा था मम्मी के भी टीका लगाओ, मम्मी भी टीका लगाएगी, मम्मी के भी लगाओ टीका, ये देखो मम्मी के भी लगाओ टीका लगाओ। तो उसकी दादी पैसे दे रही थी तो बोला था मम्मी के भी लगाओ, तो उसकी दादी ने मम्मी के भी लगाया उसके टीका जबरदस्ती। तो नटखट है बहुत ही ज़्यादा, शैतान है लेकिन कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, कमज़ोर हो बच्चे लेकिन स्वस्थ रहने चाहिए, इसकी मम्मी पापा कौन से खत्म होते हैं। और ये देखिए ये है रिधम, और रिधम को बोला सारे को केक खिला दे तो उसके गाल पे लगाने पे लगा हुआ, बच्चे तो बच्चे थे, ये बड़ा भाई है और ये छोटा है, तो कितना खुश हो रहा है रिधम भी एकदम, देखते देखते ये भी कितना बड़ा हो गया, बच्चे देखते देखते कब बड़े हो जाए पता ही नहीं लगता समय का। तो ये कैप बार बार निकाल रहा है, बार बार लगा रहे हैं इसके कैप, और बार बार निकालता जा रहा है निकालता जा रहा है। तो ये देखिए ये इसकी बड़ी बुआ है, सबसे बड़ी बुआ है ये शौर्य की, तो ये इसको केक खिला रही है, इसके टीका लगा रही है। तो पैसे लेने के लिए तो इतना खुश हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा पैसे लेने के लिए खुश है। तो दोनों के ही, दोनों भाइयों के ही टीके लगा रहे हैं, और पैसे हाथ में लेके बैठे, पैसे किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं, किसी को भी नहीं दे रहा है, बोले नहीं मैं लूँगा मैं लूँगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए, अब मैं और निराला जी, मैं निराला जी को बोल रही हूँ साइड पे बैठ जाइए, कह रही नहीं मैं यहीं से बैठ के इसके टीका लगाऊंगा, मैंने कहा साइड में तो बैठ के। तो पता है क्या, हम कुछ गिफ्ट भी नहीं ले पाए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में आए हम, और निराला जी ऑफिस से आए थे तो लेट हो गई थी ऑफिस से आते आते, तो कोई गिफ्ट भी नहीं ला पाए थे। तो मैंने रिदम को भी बैठाया, मैंने कहा बैठ जा मैं तेरे भी टीका लगाऊंगी, भाग रहा था बार बार बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ा मुझे इसको। तो फ़ोटो खींच रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए मैं इधर की तरफ आ गई, तो उन्होंने बोला इधर आ जाओ। तो देखिए शौर्य को केक खिला रहे हैं, शौर्य खुश हो रखा केक खाने के लिए, लेकिन बच्चों को खिलाना नहीं चाहिए ना, ज़्यादा ठंडा भी है। तो देखिए हमने पैसे ही दिए इसके, इसको पैसे देके खुश हो गए ये, और इनके पीछे जब से ये आए तब से लगा हुआ था, बड़े पापा थोड़ी सी देर के लिए भी कहीं जा रहे हैं, फिर कह रहे बड़े पापा कहाँ हैं, लगा हुआ था। तो बच्चे हैं, बच्चे तो इस तरह से जिद करते ही हैं। तो ये देखिए सुष्मिता है यार, और बंटी ने देखिए अपना मुंह छुपा रखा है, ये मेरे चाचा का बेटा है, इसने अपना मुंह छुपा रखा है, सामने बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैंने कहा मेरी 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 मत लेना कि मुझे ब्लॉग में मत देना। तो ये सुष्मिता है, इसकी भी इंगेजमेंट हो गई है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है ना, तो इसकी भी इंगेजमेंट हो गई, और मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की, मैं भूल गई, एक्चुअली मैं करूँगी, लेकिन आप लोग चाहते हैं अगर मैं इसकी इंगेजमेंट की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मैं इसकी इंगेजमेंट की पिक्स आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरी छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी हर्षिता, तो ये देखिए ये तो बहुत ही कम आती है कैमरे के सामने। तो इसको ये भी आ गई इसको केक खिलाने के लिए। तो मैं सभी से आपका इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो देखिए बार बार भाग रहे हैं, बार बार उठा के बिठा रही है वो इसको सिस्टर मेरी, और वो बार बार उठ के भाग रहा है। तो बस यही है, सॉरी खांसी हो रही है। तो ये बस ये बच्चे हैं, ये केक खिला रहे हैं। तो ये देखिए ये इसके सेकंड नंबर की बुआ है सॉरी की, और ये बच्चे हैं इसकी बुआ के बच्चे हैं, ये दूसरी ये सेकंड नंबर के, ये थर्ड नंबर की है, ये तो चार बुआएं हैं इसकी, पांच बुआएं हैं सॉरी इसकी, और दो भाई हैं ये लोग। तो अब बस बच्चे खिला रहे हैं, ये चाचा हैं इसके, ये देखिए तो कितना खुश हो रखा है चाचा, अब वो बिल्कुल ऐसा खोल रहा है, पूरा गिच्चा खोल रहा है खाने के लिए।
खुश हो रखा बेचारा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा बर्थडे व्लॉग। देखिए दोस्तों, घर पहुंच चुके हैं हम, और हम घर पहुंच चुके हैं, अभी अभी आए हैं। और बर्थडे बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के साथ में मैंने वीडियो शेयर की। तो दोस्तों, अगर आपको देखिए हमारी जो लिटिल सौरिया है उसको आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा उसको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।